अब मैं एंटर कर चुका हूँ बैट मेकिंग, ये हिस्सा है जहाँ पर एसजी के बैट बनते हैं। ऑन एन एवरेज डेली 1000 बैट बनते हैं। तो आप देख रहे हैं हर जगह बैटी बैट है जो कि इंडिया भर वर्ल्ड वाइड जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देखिए कैसे बैट की यहाँ पर शेप में लाया जा रहा बैट को, यू कैन सी इट हियर इन द फुटेज। और बड़ा कमाल है यार, टू बी ऑनेस्ट, आप ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट देखते हो कि फाइनल क्या आ रहा है, लेकिन ये बिहाइंड द सीन्स है कि एक्चुअल बैट कैसे बनते हैं, कि मशीन में काम चल रहा है। बैट को उस सेक्शन में शेप दिया जा रहा था, थ्रेडिंग भी आपने देखा कैसे हो रही थी। अब ये पफिंग और स्टिकर वाला सेक्शन है। बैट को जो पॉलिश करते हैं वो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कैसे पॉलिश होती है, जो बैट को अट्रैक्टिव शेप मिलता है। और स्टिकर्स जो लगते हैं एसजी के वो भी यहाँ पर आपको दिखाते हैं। चलिए चलते जाइए मेरे साथ। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, हाँ ये प्रेसिंग मशीन है और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कि बैट को प्रेस कैसे करना है। तो एक्चुअली जब सही, आई थिंक जितना अच्छा बैट प्रेस होता है ना, ना ज़्यादा ना कम, परफेक्ट जब जो प्रेसिंग होती है वो बैट आइडल होते हैं। तो ये यहाँ पर प्रेस हो रहे हैं एसजी के बैट, और जनरली जो वुड होती है वो थोड़ी सॉफ्टर होती है जब आती है। अब इसको आप थोड़ा सा हार्ड करते हैं जो कि आसानी से टूटे ना जब इवेंचुअल मैच में प्लेयर्स लेके जाते हैं। तो ये इसको ताकत देती है बैट को, और एक परफेक्ट पिंग देती है एक प्रेसिंग, अगर प्रेसिंग सही हो तो। ये प्रेसिंग आपने देखी, अब वी विल गो टू द पफिंग वाला सेक्शन जहाँ पर शाइन बैट को, जो देखते हैं ना आप अलग ही शाइन मारते हैं बैट्स, तो ये वो पोर्शन है जहाँ पर देखिए बैट को शाइन दी जा रही है। यू कैन सी इट हियर, बैट को शाइन ऐसे दी जा रही है, यू कैन सी। और आई थिंक जो बैट्स में आजकल मेहनत होती है, इस तरह से हर एक पोर्शन को इतना सीरियसली लिया जाता है, राइट फ्रॉम गिविंग इट शेप टू पॉलिशिंग एवरीथिंग, यू कैन सी कितना उसके पीछे हार्ड वर्क जाता है। तो बैट को शाइन कैसे करते हैं वो पोर्शन आपने देखा। अब ये जो सेक्शन है जो इवेंचुअली आप ब्यूटीफुल स्टिकर्स देखते हैं ना एसजी के, ये लगाए जा रहे हैं। भैया स्टिकर लगा रहे हैं, देखिए स्टिकर लगाने में मजाक नहीं है, बड़े उसमें प्रिसिशन चाहिए कि सही जगह ना हो, शेप यहाँ वहाँ ना हो। तो भैया ऐसा तो नहीं है कि ऊपर नीचे हो जाए गड़बड़ जाती है ना, बिल्कुल सही जगह लगता है ना। तो भैया ने बोल दिया, भैया बिल्कुल भी मूड में नहीं है बात करने की, ये टोटली इन टू इज वर्क, अच्छी बात है, काम करें। ये देखिए यहाँ भी एसजी के स्टिकर्स लग रहे हैं, एक बार फिर दिखाइए, ये देखिए। और हर कैटेगरी के जितने भी बैट है, चाहे वो ऋषभ पंत एडिशन हो, हार्दिक पांड्या, यू नेम इट, सारे बैट के स्टिकर यहीं लगते हैं। और बड़ा ब्यूटीफुल पार्ट है, ये देखिए यहाँ पर इनफैक्ट एसजी के बैट यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए भैया ने और ज़्यादा मेहनत करना चालू कर दी, देखते हैं और मेहनत करना और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से। अच्छा ये बिल्कुल परफेक्ट जगह होते हैं प्लेस, देखिए कितना एक्सपीरियंस है, लवली। और ये देखो ब्यूटीफुल एसजी, ये वाला स्टिकर देखा ना, क्या लग रहा है, थैंक यू भाई, शुक्रिया। अब स्टिकर वाला सेक्शन आपने देख लिया, अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बैट को जब होल्ड करते हैं ना, सॉलिड ग्रिप हो बल्ले पे, तो ये ग्रिपिंग सेक्शन है एसजी का। यहाँ पर देखिए ग्रिप चढ़ाई जा रही है, थ्रेडिंग ऑलरेडी हो चुकी है वो देख चुके हैं आप, यहाँ पर ग्रिप कैसे चढ़ाई जा रही है यू कैन सी, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और स्टिकर्स ऑलरेडी लग चुके हैं, और आप देख रहे हैं लॉट्स, देखिए कितने सारे बैट्स रखे हैं, बिलीव बिकम जो कि लाइक स्लोगन है, मैं बात करूँ एसजी के। ये बैट भी देखिए ब्लू में है, ब्यूटीफुल मॉडल, फ्रेश पीसेस हैं बाय द वे। तो एसजी के बैट्स तो वर्ल्ड क्लास होते हैं जिनका पूरी दुनिया में नाम है, लेकिन बॉल, अगर मैं बॉल्स की बात करूँ तो इंडियन क्रिकेट एसजी टेस्ट से खेला जाता है, और एसजी टेस्ट यहाँ पर उसका जो पॉलिशिंग का काम है और जो स्टैम्प लगती है बॉल्स पे, वो ये सेक्शन रहा। और मैं भैया से मिल रहा हूँ 3 साल बाद, देखो भैया हमें 3 साल पहले भी जब मैं पिंक बॉल टेस्ट के लिए आया था, भैया यहीं पर थे, पिंक बॉल तब कर रहे थे वो। अब देखिए यहाँ पर एसजी क्लब हो रही है, एसजी टेस्ट भी यहीं होती है, उन पर स्टैम्प लगा रहती है, भैया से पहले मिल चुके हैं, गुड टू सी हिम अगेन। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वाइट बॉल्स और रेड बॉल, और जितने भी रणजी मैचेस होते हैं ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, एसजी टेस्ट से खेले जाते हैं, और इंडिया का टेस्ट मैच क्रिकेट भी एसजी टेस्ट से खेला जाता है, तो वर्ल्ड क्लास बॉल्स यहाँ बनती हैं। अब तो यहाँ पर देखिए एसजी टेस्ट की यहाँ पर शाइनिंग करी जा रही है, और भैया ने शाइन करके मुझे ये पकड़ा दी, ये देखिए दिस इज एसजी टेस्ट जो कि यूज़ होती है फर्स्ट क्लास सर्किट, मैंने बताया आपको। और इंडियन क्रिकेट टेस्ट मैचेस इसी बॉल से, रेड बॉल से खेले जाते हैं, तो ऑब्वियसली होम प्रोडक्ट हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है, तो वी शुड बी प्राउड कि भैया हम लोग ये बॉल यूज़ कर रहे हैं। आईसीसी इवेंट में कुकुबरा होती है, लेकिन अगर हम इंडियन क्रिकेट की बात करें तो वर्ल्ड क्लास, ट्रूली वर्ल्ड क्लास। तो यहाँ पर
ये जो साइन है ना वो लग रहा है, ये साइन है वो लग रहा है एंड पॉलिशिंग हो रही है। तो गाइस ये जो साइन है एसजी का वो कैसे इस बॉल पे आता है वो भी आपको दिखा देते हैं। आप ये देखिए फुटेज में, आपने लेदर बैट्स देखे, एसजी के बॉल देखी, और एक और चीज़ ह्यूजली पॉपुलर है यंगस्टर हो चाहे प्रोफेशनल प्लेयर्स, वो है पैड्स, एसजी के पैड्स। तो एसजी के पैड यहाँ बनते हैं और डायरेक्टली मैं आपको ले चलता हूँ कि पैड बनता कैसे। ये देखिए, तो यू कैन सी डायरेक्ट यहाँ पर ये भैया पैड बना रहे हैं और पैड में क्या क्या स्टफ़ यूज़ हो रहा है यू कैन सी इट हियर। तो कितनी फिनेस होती है, कितनी मेहनत लगती है। तो ये देखिए ये सब स्टफ़ यूज़ होता है लिटरली। ये कौन सा स्टिक है यार, बैम्बू स्टिक बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे इन्हें, कौन सा स्टिक बोलेंगे भैया ने, बांस की वो है। तो भैया ने आपको डायरेक्ट बता दिया देखो, जो कि यूज़ होती है। और स्ट्रैप्स हैं, स्ट्रैप कैसे बनते हैं, जो स्ट्रैप है वो देखिए, ये बड़ा वो देखो हाँ बताइए बोलिए, केन जो वुड है उसकी ये छोटी छोटी लकड़ियाँ जो कि पैड में जाती हैं, जो कि बचाती हैं आपको हर्ट होने से, एक्सट्रीम पेस के अगेंस्ट भी इतने सिक्योर फील करते हैं आप क्योंकि पैड में ये होता है। तो आप देख लीजिए ये फुटेज, आपको आई डोंट थिंक तो आपको कभी रेयरली आपने देखा होगा। तो ये देखिए ये स्टिक पैड के अंदर जा रही है, ऐसे बनता है पैड एसजी का, वेरी नाइस। ये स्ट्रैप्स वाला सेक्शन है, स्ट्रैप बन रहा है यहाँ पर जब आप स्टिक करते हैं अपने पैड को, बहुत ज़रूरी है कि वो भी क्वालिटी हो, देखिए स्टिचिंग चल रही है यहाँ पर, परफेक्ट है। तो एसजी जो ग्लव्स हैं वो भी बहुत पॉपुलर हैं क्रिकेटर्स में, और कभी ना कभी आपने भी यूज़ करे होंगे, मैंने भी यूज़ करे हैं। तो एसजी ग्लव्स बड़े कम्फर्टेबल, हमेशा अक्रॉस द बोर्ड आप बात करें तो बहुत कंफर्टेबल ग्लव्स बनते हैं एसजी के। तो ये देखिए ये बिहाइंड द सीन्स एसजी ग्लव्स कैसे बन रहे हैं, स्टिचिंग चल रही है यहाँ पर और भैया बड़ी शिद्दत से स्टिचिंग कर रहे हैं। भैया एक दिन में कितने आप सिल लेते हो, अगर ग्लव्स की बात करूँ मैं, एक दिन में कितने स्टिचिंग कर लेते हो? अगर मैं 35 भैया अकेले कर लेते हैं, एंड देर आर सो मेनी पीपल अराउंड हियर हु इज डूइंग द सेम जॉब। तो आई थिंक वर्ल्ड क्लास, और ये आई थिंक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है ना कि हो चुका है स्टिच, हाँ हो चुका है, इनफैक्ट ये स्टिचिंग यहाँ हुई और ये बन गया, जो कि इवेंचुअली आपके पास पहुंचता है जब आप किसी भी रिटेल स्टोर के पास जाते हैं तो आप इवेंचुअली आपको ये मिलता है, लेकिन ये एक्चुअली ऐसे बन रहा है। देखिए ट्रूली वर्ल्ड क्लास, आई थिंक ये शेप निकाल रहा है राइट, है ना ग्लव्स का शेप है ना भैया, ये देखो ग्लव्स का शेप कैसे बनता है, आप करिए ग्लव्स का जो शेप होता है वो देखिए, मतलब लाइक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आप इवेंचुअली आप तो अपने हाथ में पकड़ते हैं बट लेकिन शेप ये निकल रहा है देखिए डिफरेंट हैंड्स का। तो आई थिंक ये ग्लव्स का पूरा आप देख सकते हैं कैसे ग्लव बनते हैं, डिफरेंट हैंड के क्या क्या यूज़ होता है। तो अब ये बॉल मेकिंग यूनिट है एसजी की, और मैं पहले बता चुका हूँ आपको पॉलिशिंग वाली आपने देख लिया है, लेकिन यहाँ पर बॉल्स बनती हैं एसजी की, और दिन में 1000 बॉल बनती है। और जहाँ मैं बैठा हूँ ना गाइज, तो ये आई थिंक बहुत ही हुनरमंद आदमी की जगह है, मैंने उस जगह ले ली है 2 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पर बैठते कारीगर और बनाते हैं बॉल्स, तो मैं हट जाता हूँ, आई डोंट डिजर्व दिस, अपन नहीं भैया इसके लायक है, भैया लोग बना रहे हैं। ये देखो बॉल, ये भैया बना रहे हैं, ये ऐसे स्टिचिंग हो रही है, सीम की स्टिचिंग हो रही है। भैया के पास आते हैं, भैया दिन में कितने बॉल स्टिच कर लेते होगे आप, कम से कम अगर अकेले बात करूँ, अकेले कितने बॉल बना देते हो आप? 8। चलिए 8 बॉल भैया बना देते हैं टोटल मिला लूँगा, जितने लोग यहाँ पर भी आई कैन सी सारे स्किलफुल लोग हैं, बड़े कमाल के, बहुत पुराने रहे हैं, लगातार उन्होंने सर्व किया एसजी को, तो क्लोज टू 1000 बॉल। ये देखिए जितने भी बॉल्स आ रही हैं इंडियन क्रिकेट में बात करूं तो वो यहीं से आ रही हैं, ट्रूली वर्ल्ड क्लास, और बहुत मेहनत जा रही है इसके पीछे। तो पर अगर बात करूं पर कारीगर 8 बॉल बना रहा है, वेल डन गाइस, वेल डन गाइस।